हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं गौरव गुप्ता की शॉप पर, जो कि नजफगढ़ के अंदर है। नजफगढ़ एरिया आपको दिल्ली NCR के अंदर देखने को मिलता है। यह शॉप आपको नजफगढ़ थाना रोड पर मिलती है। इसके अपोजिट साइड में हवेली फैमिली रेस्टोरेंट है, और जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो कुछ इस लोकेशन पर यह शॉप आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं शॉप के अंदर। शॉप का इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। चलिए अब चलते हैं शॉप के अंदर और मैं आपको मिलवाता हूँ ज्ञान भाई से और कमल भाई से। और ये बात चुके हैं अपने कमल भाई की शॉप में, गौरव भाई की शॉप में। ये रहे अपने ज्ञान भाई। क्या हाल है भाई? और तो क्या हाल भाई? बढ़िया, ठीक हो? ज्ञान भाई, 2022 में आपका क्या क्या प्लान है? 2022 शुरू हुआ है, देखो अब क्या होता है आगे। होने का तो भाई कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। ज्ञान भाई, है हमारी पहली वीडियो है आपकी शॉप के अंदर, तो भाई आप ही बताओ कि सबसे पहले मैं कौन से स्मार्टफोन का रिव्यू करूँ। तो सर को दिखाओ, आज रिव्यू करवाएंगे हम Y21 का Vivo। क्यों नहीं भाई साहब, जरूर करेंगे। ये तो डमी है, कोई नहीं, अनबॉक्सिंग कर दो, तुम्हारे हाथों से अनबॉक्सिंग होगी आज। ये फोन है। हाँ तो चलो भाई, पहले हम बॉक्स दिखा देते हैं आपको, किस तरीके का देखने को मिलता है Y21 का, देख सकते हो भाई। और अब ज्ञान भाई जो है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये आपको Y21 है जो अब अनबॉक्स होने जा रहा है। और उद्घाटन भाई ने कर दिया है। ये भाई कुछ इस तरीके का डब्बा इसमें देखने को मिलता है, साथ में बॉक्स है। उसके बाद जो है स्मार्टफोन आता है हमारा Y21। ये हो गया भाई, बहुत गजब दिख रहा है बैक से, तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिया गया है वीवो ने। अब इसके साथ ही देखते हैं और इसी में साथ क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिलती हैं। ये रख दिया फोन साइड में। ये हो गया भाई अडैप्टर, चार्जर जो 18 वोल्ट का मिलता है, और ये हो गया इसकी टाइप सी केबल, और इसमें साथ होंगे बैक कवर होगा, कमल भाई को लेंगे। इस साथ में फ्री मिलता है। हाँ, ये बॉक्स में साथ में ही आता है, ठीक है, कि यूजर गाइड मिलता है और इसमें यूजर गाइड है। अगर आप यहाँ से फोन लेते हो तो आपको बैक कवर एक और मिलेगा, टेम्पर ग्लास आपको फ्री मिलेगा। हाँ, हमारी तरफ से। अगर आप भाई आते हो गौरव भाई की शॉप पे, यानी कि ज्ञान भाई की शॉप पे, जिसको हम निकनेम इसका ज्ञान भाई है, तो यहाँ पर आपको अलग से डिस्काउंट मिलेगा। और आप बता देते हो कि भाई मेरे चैनल के थ्रू आए हो, तो डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो ऑनलाइन प्राइस होगा उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, अलग से जो 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और शायद ही आपको कहीं पर ये देखने को मिले। चलिए, भाई ने ऑन कर दिया है फ़ोन। इसका कैमरा दिखाऊंगा मैं आपको, और अब इसके कैमरे भी दिखाएंगे, पूरी डिटेल होने वाली है वीडियो में, अंत तक ज़रूर बने रहना, कभी यहीं छोड़ के भाग जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जल्दी से Vivo Y21 का सेटअप कर लेते हैं और करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं गैजेट्स बाय MJ। Y21 का सेटअप कंप्लीट हो चुका है, और सबसे पहले मैं आपको इसे स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर आपको 6.51 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको एक एवरेज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर आपको MediaTek Helio P35 चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आता है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। इसके साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 1GB एक्सटेंड रैम का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने ऑन कर दिया था, और अब मैं इसको ऑफ कर रहा हूं, तो यह स्मार्टफोन रीस्टार्ट होने के लिए पूछ रहा है। यह स्मार्टफोन फन टच OS के साथ आता है। इसके साथ ही आपको आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 11 पर देखने को मिल जाता है, और गेमिंग के मामले में इस स्मार्टफोन के अंदर आपको गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 4D वाइब्रेशन का फीचर्स भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह स्मार्टफोन गेमिंग स्मार्टफोन नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल यूजर्स के लिए ही स्मार्टफोन बनाया गया है, क्योंकि P35 चिपसेट इतना हैवी चिपसेट नहीं है और इसके अंदर आप इतने अच्छे गेमिंग नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में, तो इसके अंदर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। स्मार्टफोन के प्राइमरी कैमरा से आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इसके अंदर आपको और भी अच्छे अच्छे मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि टाइमलैप्स, लाइव पिक्चर, साथ ही डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। 13 मेगापिक्सल कैमरा से दोस्तों आप ठीक ठाक पिक्चर्स निकाल लोगे, और मुझे तो इसका कैमरा ठीक ठाक ही लगा। बाकी मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको स्मार्टफोन की पिक्चर्स कैसी लगी। या तो इस कैमरे की पिक्चर्स की बात, चलिए मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ और इसकी क्लियरिटी
वीडियो की आपको कैसे लगी वह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं, यह जो वीडियो चल रही है इसी स्मार्टफोन के कैमरे से ली गई है। दोस्तों कैमरे की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है। क्वालिटी तो इस कैमरे के अंदर आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, लेकिन मैं बात करूँ स्टेबलाइजेशन की तो वह आपको कम देखने को मिलती है। और दोस्तों स्मार्टफोन का ऑटो फोकस भी इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि फोकस करने के लिए मुझे बार बार स्क्रीन पर टच करना पड़ रहा था और तभी यह स्मार्टफोन फोकस को ले रहा था। दोस्तों यह बात तो हो गई स्मार्टफोन के बैक कैमरा के बारे में। अगर मैं बात करूँ सेल्फी की तो इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यह स्क्रीन पर आप देख सकते हो यह कुछ सैंपल है जो कि सेल्फी कैमरा से लिए गए हैं। और मैं बात करूँ वीडियो क्वालिटी की तो इसके अंदर भी आपको सेल्फी कैमरा ठीक ठाक ही देखने को मिल जाता है। चलो दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 18 वाट चार्जिंग के साथ आती है। दोस्तों 5000 mAh बैटरी के साथ आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। चलो दोस्तों बात करते हैं स्मार्टफोन के पोर्ट्स एंड बटन के बारे में। तो राइट साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर्स देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और 3.5mm जैक देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर आपको बिल्कुल प्लेन देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर स्मार्टफोन के अंदर आपको सिम ट्रे का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह डेडिकेटेड है या फिर हाइब्रिड सिम स्लॉट है। तो यहाँ पर यह स्मार्टफोन के अंदर आपको, चलिए मैं खोल लेता हूँ, और यहाँ पर देखा जाए तो स्मार्टफोन के अंदर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, जो कि 4G वोल्ट के साथ आता है और इसको आप 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हो। इसके साथ इसके अंदर आपको वाटर रेसिस्टेंस के लिए इसके अंदर रबड़ भी देखने को मिलती है, जिससे स्मार्टफोन के अंदर पानी वगैरह ना जाए। और सिम ट्रे की क्वालिटी भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाती है। अब देखते हैं दोस्तों कि स्मार्टफोन के अंदर आपको लॉकिंग सिस्टम कितना अच्छा देखने को मिल जाता है। ये मैंने टच किया और फिंगरप्रिंट स्कैनर अनलॉक हो गया, तो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी आपको फास्ट देखने को मिल जाता है, यह टच करते ही अनलॉक हो जाता है। चलिए अब देखते हैं स्मार्टफोन का फेस अनलॉक कितना फास्ट है। तो ये मैंने फेस की तरफ किया और अनलॉक हो गया। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको काफ़ी फास्ट देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात करते हैं स्मार्टफोन के कॉमन फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको सभी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सोमीटर, कंपास, जायरोस्कोप, फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको साइड माउंटेड देखने को मिलता है, फेस अनलॉक भी स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फ्रंट टच और इसके अंदर आपको काफी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि हो गया फोन को अनलॉक करते ही स्टार्टिंग एनिमेशन, कि आपको किस तरीके की एनिमेशन चाहिए। उसके बाद आपको फेस अनलॉक करते समय आपको कैसी एनिमेशन चाहिए वह भी आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें इमोटिकॉन वगैरह दिए हुए हैं जिसमें आप फेस अनलॉक पर सेट कर सकते हैं। और यह सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आप चार्जिंग मोड पर भी अलग अलग स्मार्टफोन को सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप चार्जिंग मोड पर स्मार्टफोन को लगाते हो तो चार्जिंग एनिमेशन भी अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आप अपनी मर्जी से स्मार्टफोन के अंदर सेट कर सकते हो। चलो दोस्तों मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो यह स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पर 13,990 रुपये का देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को इस शॉप से बाय करते हो तो यह आपको 13,500 रुपये में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं स्मार्टफोन की कमियों की बात करूँ तो सबसे पहले इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा एप्लीकेशन वगैरह देखने को मिल जाती है, जो कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, लेकिन आप उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और सेकंड दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर आपको इतना हैवी चिपसेट देखने को नहीं मिलता। P35 एक नॉर्मल यूजर्स के लिए चिपसेट बनाया गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली वगैरह के लिए स्मार्टफोन को बाय करना चाहोगे तो यह स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अगर आप इस स्मार्टफोन को गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो मैं इस स्मार्टफोन को आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पर आपको बहुत ही अच्छे गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पोको M3 हो, रेडमी नोट 10T हो गया और भी बहुत सारे स्मार्टफोन है। तो देखिए यह स्मार्टफोन आपको बाय क्यों करना चाहिए, तो अगर आपको चाहिए कि एक ऐसा स्मार्टफोन जो कि आपके पूरे दिन तक बैटरी बैकअप दे और इसका कैमरा काफी अच्छा और दिखने में भी काफी ठीक ठाक आपको लगे, तो इस स्मार्टफोन को आप बाय जरूर करना, लेकिन आपकी यह जरूरत नहीं है तो इस स्मार्टफोन को आप बाय बाय कर देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यह स्मार्टफोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि सभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी दोस्तों इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स होंगे वह आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट आपको फिर भी पेंडिंग रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।